हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में बहुत ही ब्यूटीफुल एंड डिज़ाइनर रेबी स्टाइल फ्रॉक बनाएंगे और ये मैं 4 to 5 ईयर बेबी के लिए बना रही हूँ। देखो, इसके लिए मैंने पिंक कलर का कॉटन का फैब्रिक लिया है और ये 1 मीटर जितना है। उसको पहले अच्छे से ऐसे खोल देंगे और एक साइड से हम ऐसे 2 फोल्ड कर देंगे। ये हमें स्कर्ट की लेंथ जितनी रखनी है इतना हम पहले ऐसे फोल्ड कर देंगे। तो देखिए, मैंने 12 इंच जितना फोल्ड कर दिया है और इसको ऐसे काट देंगे। और ये फोल्डेड एरिया है उसको भी हम काट के 2 पार्ट बना लेंगे। देखो, ये हमारा स्कर्ट की नीचे की कटिंग हो गई है। अभी कपड़ा बच्चा है उसको भी हम ऐसे 2 फोल्ड कर देंगे, उस साइड से ऐसे इतना कट कर देंगे। और अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो देखो, ऐसे 4 इंच पे एक पॉइंट लगा देंगे और ऐसे फिर एक बार ऐसे फोल्ड कर देंगे। और ये बेल्ट हम देखो ऐसे फोल्डेड एरिया है, वहाँ से भी कट कर देंगे हम। और ये बेल्ट की कटिंग हम शोल्डर से कमर का की बच्ची का जितना नाप हो, देखो ये मैंने 9 इंच जितना लिया है, आप इतना ले सकती है कम शोल्डर से कमर तक का नाप लेके। देखो, ऐसे बेल्ट की कटिंग भी हो गई है। इस तरह से आएगा बेल्ट, देखो ऐसे ये हमारा बेल्ट ऐसे रेडी हो जाएगा। देखो, ये बेल्ट की भी कटिंग हो गई है। देखो, अब हम क्या करेंगे, 3 इंच पे ऐसे पॉइंट लगाएंगे। कपड़ा हमें ऐसे 2 फोल्ड ही रखना है। फिर ऐसे देखो, 3 इंच पे हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे और फिर एक बार और फोल्ड कर देंगे और फिर एक बार और फोल्ड कर देंगे, क्योंकि हमें इसमें पैटर्न बनानी है। देखो, ये हमने रेबी स्टाइल आगे की पैटर्न है उसको हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे पहले, जैसे रैबिट के जो ईयर होते हैं उस स्टाइल से हम कट कर देंगे। देखो ऐसे, ये मैंने कटिंग कर ली। देखो, ये दोनों दो पार्ट है और ये फोल्डेड एरिया है उसको कट कर देंगे। ये हमारी पैटर्न भी कट गई है। फिर कपड़ा बचता है उसमें से देखो, हम ऐसे कपड़े को 12 इंच जितना कपड़ा बचा है और 7.5 जितना है इसको ऐसे 4 फोल्ड कर देंगे। फिर एक बार और इस तरह से फोल्ड कर देंगे और ऐसे कोने से कर्व शेप दे देंगे, जैसे हम स्लीव कट करते हैं उस हिसाब से। ये हम बेल्ट आता है जो स्कर्ट का, वो कट कर रहे हैं। देखो, ये हमारा स्कर्ट का बेल्ट तैयार हो गया है। वो हमारा ऊपर का बेल्ट था और ये हमारा स्कर्ट का बेल्ट है। देखो, ये भी हम 4th पार्ट ये तैयार करेंगे, क्योंकि इसे भी हम पलट के सीधा करना है हमें। देखो, इसकी भी कटिंग हो गई है। अब हमारी कंप्लीट कटिंग हो गई है। देखो, इस तरह से देखो, इस सभी के सभी पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। अभी मैं आपको इसे सिल के दिखाती हूँ। पहले हम स्कर्ट तैयार करेंगे, तो पहले स्कर्ट का बेल्ट पहले तैयार कर लेते हैं। तो ऐसे सीधे के ऊपर उल्टा पार्ट रख के यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और नीचे हम खुला छोड़ेंगे, वहाँ से हम इसको पलट के सीधा करना है। और राउंड शेप है तो छोटे छोटे कट्स लगा देंगे इसे। और देखो, यहाँ से हम पलट के इसे सीधा कर देंगे। देखो, ये आगे का हमारा जो स्कर्ट का बेल्ट है वो एक रेडी हो गया है। सेम उसी हिसाब से मैंने दूसरा भी तैयार कर लिया है। अब राउंड शेप है वहाँ पे हम ऐसे फिनिशिंग सिलाई दे देंगे। देखो, ऐसे मैंने
दोनों बेल्ट, दोनों के दोनों बेल्ट रेडी कर दिए। अभी क्या करना है, सीधे के ऊपर ऐसे उल्टा बेल्ट रखेंगे और साइड पार्ट है वो जॉइंट कर देंगे। देखो ये बेल्ट, आप ये बेल्ट का नाप किस तरह से लेंगे, आपकी बच्ची की जितनी कमर आती है उससे 2 इंच जितना ज़्यादा ले लेंगे। देखो ऐसे बेल्ट भी अटैच हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, जो नीचे का पार्ट हमने कट किया है उसको भी हम जॉइंट लगा के अटैच कर देंगे। देखो ऐसे एक साइड से हम जॉइंट लगा देंगे और ये पूरा का पूरा कपड़ा ऐसे लेंथ वाइज हो जाएगा ऐसे। फिर हमें क्या करना है, जो बेल्ट है उसको हम ऐसे सीधा रखेंगे, इसके ऊपर नीचे का स्कर्ट का कपड़ा है उसको उल्टा रख के हम छोटे छोटे प्लेट्स डाल देंगे इसमें। देखो ऐसे ऐसे प्लेट्स डालते जाएंगे। इसमें हमें ध्यान क्या रखना है प्लेट्स डालने में, देखो बेल्ट का जो जॉइंट है साइड में हमने जॉइंट लगाया है, वो जॉइंट जो स्कर्ट का नीचे का पार्ट है उसका जॉइंट इसके ऊपर आना चाहिए, बस इतना ही हमें ध्यान रखना है इसमें। देखो ऐसे एडजस्ट कर लेना है, हमें सारे के सारे प्लेट्स ऐसे एडजस्ट करेंगे जैसे जिस तरह से बेल्ट का जो जॉइंट है वो स्कर्ट का जॉइंट इसके ऊपर आए उसी हिसाब से। देखो ऐसे आगे का पार्ट मैंने प्लेट्स लगा के रेडी कर दिया है। देखो ये नीचे नीचे वाला जो जॉइंट है उसके ऊपर स्कर्ट का आ गया। अभी सेम उसी हिसाब से हम पीछे का पार्ट भी रेडी कर देंगे, ऐसे ही हम प्लेट्स लगा देंगे छोटे छोटे और पूरा का पूरा कपड़ा बेल्ट पे अच्छे से अटैच हो जाए उस हिसाब से हम एडजस्ट करके ऐसे प्लेट्स डाल देंगे। देखो ऐसे प्लेट्स हमारे पूरे के पूरे डल चुके हैं और हमारा स्कर्ट का जो साइड पार्ट है उसको अभी हम ऐसे उल्टा करके जॉइंट कर देंगे। देखो ऐसे अच्छे से मिला के साइड पार्ट जॉइंट कर देंगे। अभी हमें क्या करना है, जो नीचे खुला है उसको अंदर की साइड हल्की सी पट्टी मोड़ के नीचे, देखो ऐसे अंदर की साइड हल्की सी पट्टी मोड़ देंगे। देखो बहुत ही इजी है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो ऐसे स्कर्ट हमारा बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। अभी हमें पैटर्न कैसे बनानी है, देखो अभी हम पैटर्न बनाएंगे तो पैटर्न के लिए पहले हमें बेल्ट तैयार करना पड़ेगा। तो ऐसे उल्टा रख के बेल्ट का कपड़ा हमने कटिंग किया है उसको ऐसे उल्टा रख के हम सिलाई लगाते जाएंगे, ऐसे पूरे के पूरे बेल्ट पे सिलाई लगा देंगे। एक साइड ही हम खुला छोड़ेंगे ताकि वहाँ से हम पलट सके। फिर ऐसे यहाँ से हम इसको पलट के ऐसे सीधा कर देंगे। देखो ये हमारा बेल्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब सेम उसी हिसाब से मैंने दूसरा बेल्ट भी तैयार कर दिया है। देखो ये दोनों के दोनों बेल्ट रेडी हो गए हैं। अभी हमें पैटर्न तैयार करनी है। देखो ऐसे सीधे के ऊपर उल्टी रख के जैसे हमने कटिंग की है उसी हिसाब से ऐसे सिलाई लगाते जाएंगे। ऐसे ही शेप में ही हम सिलाई लगाएंगे और नीचे के साइड खुला छोड़ देंगे ताकि वहां से हम पलट सके। देखो ऐसे फिर हम राउंड शेप है तो छोटे छोटे कट्स लगा देंगे।
खुला पार्ट है वहाँ से इसको पलट के सीधा कर देंगे। देखो अच्छे से सारे नोक निकल के अच्छे से हाथ से प्रेस करके देखो, ये मैंने दोनों के दोनों पैटर्न तैयार कर दी है। अभी हमें क्या करना है, देखो मैंने ग्रे कलर की पट्टी बना ली है, ये भी मैंने पलट के कर दी है, ये मैंने नहीं दिखाई है, पर ये आप आधा इंच जितनी बना लेंगे ऐसे पूरे पट्टी काट के। फिर हमने जैसे शेप बनाया है उसमें ऐसे अच्छे से शेप में फिनिशिंग आए उस हिसाब से, देखो ऐसे पिंक कलर की हल्का सा नीचे का कपड़ा दिखे उस हिसाब से पट्टी लगाएंगे हम ऐसे। फिर कोने से ऐसे अंदर की साइड मोड़ के ऐसे सिलाई लगाते जाएंगे, पूरे के पूरे राउंड में हम शेप में ऐसे शेप के हिसाब से ही पिंक कलर का साइड में कपड़ा दिखे सेम रहना चाहिए। देखो ऐसे पूरे के पूरे राउंड में ऐसे सिलाई लगा देंगे। देखो ये पट्टी हमारी सिलाई लगा के अटैच हो चुकी है और अंदर की साइड भी हम सेम उसी हिसाब से सिलाई लगाएंगे और अंदर की साइड भी हम सिलाई लगा के अटैच कर देंगे। बीच में जो है वो भी अच्छे से शेप देखो ये पिंक कलर का दिखे उस हिसाब से मैंने ये पट्टी लगा ली और देखो ये हमारी पैटर्न बनके तैयार हो गई है और सेम उसी हिसाब से मैंने दूसरी भी तैयार कर ली। अभी हमें क्या करना है, जो बेल्ट बनाए हैं उसमें जो खुला भाग छोड़ा है उसके ऊपर हम पैटर्न ऐसे रखेंगे और वहाँ हम इसको ऐसे सिलाई लगा के अटैच करेंगे। देखो ये हमारी पैटर्न बेल्ट के साथ अटैच हो गई है, दूसरी साइड भी हम सेम ही ऐसे ही देखो है ये मैंने पैटर्न अटैच कर दी है। अभी ये दोनों बेल्ट हम स्कर्ट के साथ अटैच कैसे करेंगे, देखो ऐसे स्कर्ट हमने लिया, जो बेल्ट वाला पार्ट है उसमें से हम पहले सेंटर पॉइंट लगा देंगे ऐसे, देखो सेंटर जहाँ तक आता है वहाँ पर बीच में पॉइंट लगा देंगे, फिर दोनों साइड 2 इंच पे ऐसे पॉइंट लगा देंगे। देखो एक साइड मैंने लगाया और दूसरी साइड भी ऐसे 2 इंच पे पॉइंट लगा लिया। अब वहाँ हम बेल्ट ऐसे रखेंगे देखो ऐसे और इसको इसके साथ स्कर्ट के साथ बेल्ट को अच्छे से सीले लगा के अटैच कर देंगे। देखो ये अटैच हो गया है, दूसरी साइड भी हम सेम उसी तरह दूसरा बेल्ट भी वैसे ही तैयार कर देंगे। देखो ऐसे सिलाई लगा के अच्छे से अटैच कर देंगे। अभी हमें क्या करना है, पीछे का पार्ट हम कैसे अटैच करेंगे, देखो ऐसे पीछे क्रॉस बेल्ट करना है हमें। देखो ये वाला बेल्ट इस तरह से आएगा इस ओर और ये वाला बेल्ट इस साइड आएगा, इस तरह से हम क्रॉस करके सिलाई लगाएंगे और इसमें हम आगे जैसे हमने पॉइंट लगाया है उस नाप से इसमें भी हम उसका नाप लेके ऐसे बेल्ट अच्छे से सिलाई लगा के अटैच कर देंगे क्रॉस में। देखो ये पीछे का पैटर्न भी हमारा तैयार हो गया है, पीछे कुछ इस तरह से दिखेगा और आगे का भी हमारा फ्रॉक बनके रेडी हो गया है। देखो अब हमारी फ्रॉक तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन ये हमारा जो पैटर्न है ऊपर से खुला है उसको हम ऐसे सुई और धागे की मदद से अटैच कर देंगे। ये आप सिले लगा के भी अटैच कर सकते हैं, पर मैंने सुई और धागे की मदद से देखो सिलाई हमारी ऊपर दिखे नहीं इसलिए एक नॉट लगा के अटैच कर दिया है। सेम उसी हिसाब से दूसरी साइड भी मैंने अटैच कर दिया है और देखो ये हमारी फ्रॉक बनके रेडी हो गई है, कंप्लीट हो गई है। आप इसमें ऊपर जैसे डेकोरेशन करना चाहते हैं कर सकते हैं। देखो ये रेबी स्टाइल फ्रॉक बनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रही है और ऐसे ही फ्रॉक्स आपको बनाने हैं अलग अलग स्टाइल में
तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।